सर, आपका आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का जो है एजेंडा है जाति उन्मूलन कानून को लेकर, जानना चाहेंगे कि किन स्तरों पर आपका जो है कि अभियान चल रहा है और आज आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले देश के सभी राज्यों के राज्यपालों को जाति उन्मूलन कानून का वहाँ के मुख्यमंत्रियों को निर्देश देने के लिए हमने सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद पूरे देश में हमारी ये मुहिम चल रही है कास्ट अबोलिशन एक्ट के लिए। तो फिर हमने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में नुक्कड़ मीटिंगें की और एक संवाद जनता के साथ एक संवाद किया। संवाद के बाद भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा कि देश के प्रधानमंत्री को निर्देशित करें कि वो भारतीय संसद में जाति उन्मूलन कानून को लेकर आएं। उसी कड़ी में हमने दिल्ली के युवाओं छात्रों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा जिसमें दिल्ली के लगभग 120 कॉलेज और दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो जामिया मिलिया है, चाहे इग्नू है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, JNU है, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं बहुत सारे, सभी में हमारी जो छात्र विंग है उसने जाकर संवाद किया है छात्रों के साथ। और छात्रों के साथ संवाद का ये कार्यक्रम मैं सबसे पहले प्रशासनिक तौर पे बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद भी करता हूँ दिल्ली पुलिस का और सारे प्रशासनिक अधिकारियों का कि जो हमारी छात्र विंग के सदस्य थे उन्होंने सभी कॉलेजों के सामने जाके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और आज 120 कॉलेजों के साथ साथ दिल्ली की सभी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों का ये संवाद कार्यक्रम का समापन है जो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम इसके समापन के लिए यहाँ खड़े हैं। साथ साथ इस कार्यक्रम से जो भी आप लोगों ने कवरेज की है, एक बात पूरे देश के सामने आई है कि इस देश का युवा और इस देश के ज़्यादातर जनसंख्या को ये नहीं पता है कि रिजर्वेशन क्या है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि रिजर्वेशन अपर कास्ट के खिलाफ एक मुहिम है जो उसके हकों को खाती है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। रिजर्वेशन के बारे में पूरे देश में एक डिबेट होनी चाहिए। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, ये सोशल रिफॉर्म का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। जो लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए, तो हम भारत के संविधान के बारे में जब समानता की बात सारे बच्चों ने की, नौजवान बच्चों ने की, तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि देश के सभी विश्वविद्यालयों में इस बारे में सिलेबस तैयार किया जाए कि रिप्रेजेंटेशन किस, ये जो रिजर्वेशन है ये क्यों दिया गया, इसकी डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, उनको सभी विश्वविद्यालयों के चैप्टर उसमें डाला जाए सिलेबस में, ताकि लोगों को पता चल सके कि रिजर्वेशन कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म का इशू नहीं है। मैं आपके सामने एक सवाल करता हूँ कि अगर ब्राह्मण जाति के लोग हैं और अगर उनको भी 100% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो भी उनकी जाति के लोगों का भला नहीं हो पाएगा। मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ, क्योंकि आपने अगर 10 वैकेंसी निकाली है तो 10 परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी और उसके बाद जो बाकी 90 लोग होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप एक जाति को भी रिजर्वेशन दे दोगे तो उसका भी भला होने वाला नहीं है। रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स और इस देश के जो थिंकर थे, जो थिंक टैंक था, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी, उसमें डिबेट चली, तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन था कि जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो सदियों से जिनको मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला है, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये कोई रिफॉर्म्स का इशू नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए सरकारों ने एजेंडा नहीं बनाया। पिछले 75 भी आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 1950 के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड कहाँ किया 140 करोड़ लोगों के अकॉर्डिंग। अगर हम 52 करोड़ की आबादी के बाद 140 करोड़ लोग इस देश में हुए हैं, तो हमने अपने सिस्टम का तो एक्सपेंशन किया ही नहीं है। सिस्टम हमने एक्सपेंड नहीं किया और उसकी अपने फेलियर की कमी हम रिजर्वेशन पर थोपते रहे बाहर लगातार कि रिजर्वेशन की वजह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या हुई है तो 140 करोड़ के अनुसार आपने एक्सपेंशन क्यों नहीं किया? ना सिविल सर्विसेज में एक्सपेंशन किया है,
ना देश के प्रशासनिक सिस्टम में एक्सपेंशन किया है, और अब जो नई पार्लियामेंट में आप आज 75 साल के बाद 1000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात आप करने लगे हैं जनसंख्या के अनुपात में, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप पूरे देश की आबादी के अकॉर्डिंग रोजगार के भी उतने ही अवसर मुहैया कराएं। अगर रोजगार के सही अवसर मुहैया कराए जाते और ये सिस्टम तैयार किया जाता, तो जो रिजर्वेशन पे ये झूठी डिबेट है, कुछ बेईमान लोगों द्वारा झूठी डिबेट पैदा की गई है कि रिजर्वेशन मेरिट वाले लोगों का हक खा जाता है, ये बिल्कुल गलत और झूठी अफवाह है। क्योंकि जो लोग कंपटीशन में आ रहे हैं, आज इस देश में जो 15% रिजर्वेशन है एससी का, उसमें हजारों जातियां कम्पीट करती हैं, उनका कंपटीशन 100 में से नहीं है, उनका हजारों लोगों से कंपटीशन है, वो ज़्यादा है अपने ही लोगों के साथ, उनका बड़ा कंपटीशन है। तो इस तरह की हरकतबाजी इस देश की सरकारों ने की है, सरकार ने सिस्टम को एक्सपेंड नहीं किया। और अब जब नौजवान बच्चों के दिमाग में, नौजवान बच्चों को सही दिशा ना देके, क्योंकि उनको आज वो जितने भी दिल्ली देश के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वो बेरोजगारी की फैक्ट्री हैं। आपका ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन में के बाद आपने अगर बीएड की है तो आपको सीटेट देना पड़ेगा, जेबीटी की है तो सीटेट देना पड़ेगा, आपको सरकार उलझा कर रखना चाहती है, तब तक आप ओवरएज हो जाओगे। तो ये सरकार का फेलियर है जो बच्चों को रिजर्वेशन की तरफ ले जाके गुमराह करने की बात करती है सरकार। सरकार से हम फिर कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन है उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को, उनको सिस्टम में भागीदारी कराने के लिए। ये वेलफेयर का एजेंडा नहीं है। वेलफेयर का एजेंडा आपने 1991 से लागू किया। देश में आर्थिक जो इकोनॉमिक ओपननेस की बात आपने की, जब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर आए 91 में, तो आपने कितने रोजगार दिए लोगों को, उसके बाद बेरोजगारी क्यों है? अगर आपका एजेंडा ईमानदार था तो प्राइवेट सेक्टर को आपने एक्सपेंड क्यों नहीं किया? क्यों हमारे देश में बेरोजगारी है? तो ऐसे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब 120 कॉलेज और दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नौजवान बच्चों की जो ओपिनियन आप लोगों ने कवर की है, हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भी हम उनको बताना चाहते हैं कि इस देश में एक सिलेबस तैयार किया जाए, रिजर्वेशन क्यों और कैसे और किन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, ताकि देश की जनता के सामने ये चीज़, ये बेईमान लोग एक्सपोज हो सकें जो बेईमाना कर रहे हैं इस देश में। बेईमाना ये है कि रिजर्वेशन की आड़ में सरकार ये नहीं बताना चाहती है कि हमने कितने रोजगार वो किया है, सृजन किया रोजगार का, और उन बच्चों के ऊपर जो कम्पिटिटिव लोग हैं आज, जो रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा कंपटीशन है इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नल। अगर आप 100%, मैं कहता हूँ 100% कंपटीशन छोड़ दो, आप रिजर्वेशन का कैप ख़त्म करो, ये लोग ज़्यादा जो मेहनत कश लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, करो आप कोशिश। तो हमारे जो ये मुहिम थी ये कामयाब हुई, और नौजवान बच्चों के बीच में हम इस सवाल को लेके गए कि इस देश में जातियाँ ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये 100% ओपिनियन थी सारे नौजवान बच्चों की, जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनकी, कि इस देश से जातियों को समाप्त किया जाए। और नौजवान बच्चे चाहते हैं कि इस देश में जातियां ना रहें, और जातियां अगर नहीं रहेंगी तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनके लिए नए पैरामीटर जो है, या कहते हैं कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं आर्थिक रूप से भी, वो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं वो उसमें भी कम्पीट करेंगे। आप कर दीजिए, लेकिन करने के लिए आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जिस समय मंडल कमीशन की बात चली थी, और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो वीपी सिंह से हार्वर्ड में सवाल किया गया कि भाई देयर इज रिजर्वेशन इन इंडिया, तो उन्होंने कहा वहाँ जाके हार्वर्ड में कि रिजर्वेशन इज बिकॉज आवर हार्ट्स आर रिजर्व, इफ आवर हार्ट्स आर नॉट रिजर्व देन नो क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन। तो इस देश की जो बड़ी आबादी है, कुछ बेईमान लोग हैं, उन्होंने सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है, वो चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें और इन संसाधनों का बंटवारा आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में ना हो। तो हम इस कार्यक्रम को, जो हमारा ये छात्र विंग का कार्यक्रम था, ये 100% सक्सेस हुआ है, और इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ, अपने छात्र विंग के अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, और दिल्ली प्रदेश की टीम को भी बधाई देता हूँ, आपके अपनी पार्टी पीपल्स की, कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और लोगों के बीच में और छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में अपनी बात पहुँचाई। धन्यवाद। क्या नीति रहेगी, किस नीति पर काम करेंगे? देखिए, पार्टी का साफ सुथरा एजेंडा है कि हम तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक इस देश में कास्ट अबोलिशन एक्ट पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता। राजनीतिक काम चलता रहेगा, लेकिन हमारी डिमांड पहले दिन से, जिस दिन से पार्टी की फॉर्मेशन हुई है उसी दिन से हम लगातार कास्ट अबोलिशन एक्ट पे काम कर रहे हैं।
और इसका जो भी सवाल जिसका जो सवाल करेगा उसका हम जवाब देंगे। आप डिबेट आप लाओ तो सही मिनिस्ट्री में इस इशू को कि कास्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसी पे हमने ये कार्यक्रम किए और अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा। सर कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो वो उसके और आपका जो पार्टी का कि जातियां खत्म होनी, इसके क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जब अभी बड़ा लंबी चौड़ी बहस चलती है, जब हम कहते हैं हम भारत के लोग वी दी पीपल ऑफ इंडिया, तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया कास्ट की कहां बात है उसमें? पहले सारे भारतीय बन जाओ ना, कास्ट सेंसस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सारे लोग कंपटीशन में आ जाएंगे। तो आपके हिसाब से मेरा हम हमारी कोई जात, हम सब भारतीय हैं, हमारी एक ही जाति है कि वी आर इंडियंस। स्कूल कॉलेज नहीं दिए हैं, उतने मेडिकल नहीं दिए हैं, उतने ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिए हैं। ये सरकार जो है जो लोगों को स्टूडेंट के दिमाग में सबके दिमाग में जाति को लेकर एक भेद पैदा कर रखी है। अगर आप एम्स जैसे हॉस्पिटल में देखेंगे कि दो दो साल बाद नंबर मिलता है सर्जरी का और ट्रीटमेंट का, दो दो साल तक का नंबर जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे इतने फैसिलिटीज़ दी जाएँ, इतने सारे एम्स, इतने हॉस्पिटल, इतनी सीटें दी जाएँ, हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या वैकेंसी हो, कोई भी सेक्टर है, इतना सारी फैसिलिटीज दी जाए कि सबको अवेलेबल हो। अब आपने सरकार ने क्या किया है कि अपनी जवाबदेही को समाज के ऊपर थोप दिया और समाज में उसके द्वारा ये विखंडन पैदा किया हुआ कि नहीं, इसकी वजह से रिजर्वेशन की वजह से आपका राइट छीना जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन तो आपके प्रतिनिधित्व की बात है। अगर 80% अगर जिसके अंदर कैलिबर है, आप कहते हो कैलिबर की बात करते हो, 80% की बात करते हो, 60% की बात करते हो, तो ये जो 80% की बात करते हैं लोग, जनरल लॉबी को एक सवाल पूछना चाहिए कि ठीक है अगर 60% वाले को आपने स्पेस दिया तो 80% वाले के लिए सरकार सवाल पूछना चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो सरकार का राइट बनता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज़ हो, हॉस्पिटल हो और कॉलेज हो, सब में सीट बढ़ाने का मौका देने का जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार ने समाज में जानबूझ के एक साजिश के तहत में विभेद पैदा कर रखा है। समाज के लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश है सरकारों की, ये पार्टियों की है। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का जो अभियान चला लगातार 6 सालों से, उसका रिजल्ट निकल के आया है, उससे एक चीज़ कंक्लूड हम करते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, ये सवाल होना चाहिए जो सही दिशा में होना चाहिए, जो 70 सालों सवाल नहीं हुआ, ये सवाल इस दिशा में होना चाहिए, और अब आपकी अपनी पार्टी इस तरफ लेके समाज को जाएगी कि आपको इस तरह सवाल पूछना चाहिए, आपका राइट यहाँ से होगा, ये समाधान ही है, विवाद नहीं, आपकी अपनी पार्टी विवाद नहीं समाधान की बात करती है, तो यहाँ से समाधान होगा कि सरकारों से सवाल पूछिए क्यों नहीं हुआ है। आप आपस में सामाजिक तौर से, जाति के तौर पे, आरक्षण के नाम पे आपके अंदर विवाद नहीं, समाधान चाहिए। तो आपकी अपनी पार्टी का जो छात्र संघ है, पार्टी की जो टीम है जो लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रही है, उसका एक परिणाम है ये रिजल्ट निकला, ये सामने आ रही बातें, तो आपकी अपनी पार्टी का ये लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगा।